ला हौला वला कुव्वत इल्ला बिल्लाहिल अलील अज़ीम, हस्बुनल्लाहु निअमल वकील, निअमल मौला व निअमन नसीर। आऊज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, वल आक़िबतु लिल मुत्तकीन, वल जन्नतु लिल मुत्तकीन, वन नारु लिल आसीन। والصلاه والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين سيد الاولين والاخرين سيدنا ومولانا ابو القاسم محمد اللهم صل على محمد وعلى محمد وعلى اله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين لا سيما بقية الله في الأرضين روحي وأرواح العالمين له الفداء ولعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من قيام يومنا هذا إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال الحكيم في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من عمل صالحا من ذكر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم اجرهم باحسن ما كانوا يعملون صدق الله العلي العظيم معزز برادران و خواهران گرامی सिलसिले दर्स और जो बहस है वो कुरानी तर्ज़ हयात के सिलसिले में है कि इंसान किस तरीके से कुरानी तर्ज़ हयात हासिल कर सकता है और किस तरह से बाकी जो ज़िंदगी का रहन सहन है, ज़िंदगी के जो मुख्तलिफ अंदाज है जो दीन से कटे हुए हैं और कुरान से दूरी का सबब बने हुए हैं, उनसे किस तरह से इंसान आशना हो सकता है और उनको अपनी ज़िंदगी से दूर कर सकता है ताकि वो तर्ज़े कुरानी को अपना सके और जो हकीकी तर्ज़े हयात है जिसकी तरफ कुरान भी इशारा करता है। ये जो आयत शरीफ़ा आपकी खदमत में अर्ज़ की, सूरह नहल आयत नंबर 97 के, एक मरतबा फिर मैं इसका तर्जमा दोहराता हूँ कि जो मन अमिल सालहन मिन ज़िकरिन औ उन्सा, यानी जो इंसान चाहे वो मर्द हो या औरत हो, अगर उसमें से कोई अमल सालह उनमें से अंजाम देता है लेकिन मशरूत है कि वो साहिब ईमान हो, वह हुआ मोमिन, तो अल्लाह ताला फरमाता है कि उससे मैं एक ऐसी ज़िंदगी अता करूँगा, फलनुहियन्नहु हयातन तय्यिबा, जिसे कुरान कहता है हयात तय्यिबा, यानी पाक व पाकीज़ा ज़िंदगी, जो ज़िंदगी में कहीं रस्म व रवाज न हो, जो ज़िंदगी बेतकवाई की ज़िंदगी नहीं होगी, जिस ज़िंदगी में पाकिजगी होगी, जिस ज़िंदगी में खुशबू जन्नत की आएगी, वो एक ऐसी ज़िंदगी होगी जिससे अल्लाह ताला अता करता है। वलनज़ियन्नहुम अजरहुम बेअहसन मा कानू यअमलून, न फ़क़त ज़िंदगी उसकी हयात तय्यिबा होगी बल्कि अल्लाह ताला उसे इनामात से भी नवाजता है, और अल्लाह का इनाम यह है कि जो कुछ वो अंजाम देगा उसके बदले में उससे भी बेहतर अल्लाह उससे अता करेगा। ये वादे इलाही है और वादे इलाही में किसी तरह का खुल्फ नहीं है, किसी तरह की कोताही नहीं है, चूँकि अल्लाह सबसे आला है और हकीकी ज़ात और हकीकी वजूद जो इस कायनात में है वो अल्लाह से है। लिहाजा हमारे वजूद की वो हैसियत नहीं है कि हम अल्लाह के वजूद के साथ मुकायसा करें। लिहाजा फ़िलासफ़र भी कहते हैं कि हमारा वजूद जो है वो मुमकिनुल वजूदात में है, जिसमें पॉसिबिलिटी है, हमारा जो वजूद है ये हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है। आज हम हैं लेकिन एक ज़माना ऐसा था कि हम नहीं थे, हमारा वजूद नहीं था,
और एक ज़माना ऐसा आएगा कि जिसमें हम नहीं होंगे, लेकिन खुदा पहले भी था, आज भी है और हमेशा रहेगा। बल्कि ये आज कल और परसों का कहना ये शान खुदा से भी बढ़कर है। असल कैद नहीं कर सकते हम अल्लाह को इन ज़मानों में, इन लम्हात में। बल्कि ये ज़मान आपके लिए है, मेरे लिए है, हम सब के लिए है, इस कायनात में जितने भी मखलूकात हैं उन सब के लिए ज़मान तायुन किया गया है। लिहाजा इस कायनात की एक खसूसियत यही है कि ये ज़मान और पीरियड के साथ है, इसमें टाइम है, वक्त है। लेकिन वो जो आला है, वो जो अलीउल आला है, वो जो आज़म है, वो जो सबसे ऊंची ज़ात है, उसके लिए ज़मान कोई चीज़ मुशक्कत नहीं कर सकते हैं। लिहाजा वो पाक है, लिहाजा वो मुनज़्ज़म मुनज़्ज़ा है कि किसी भी वक्त में उसके लिए कोई वक्त हम तायन नहीं कर सकते, बिला वक्त है वो। लिहाजा मौलाए कायनात अली अलैहिस्सलाम नहजुल बलागा के खुतबे अव्वल में उस ज़ात की सना और हमद करते हुए फरमाते हैं कि वो एक ऐसी ज़ात है कि हमद करने वालों की सना भी उस तक रसाई नहीं रख सकती, और जो तफक्कुर करते उसकी ज़ात में उनका कुव्वे फिक्रिया और उनकी जो पहुंच है सोच की, तफक्कुर और फिक्र करने की, वो उस ज़ात तक नहीं पहुंच सकती। नहीं, फिक्र करने वालों की फिक्र भी दम तोड़ देती है लेकिन उस ज़ात तक रसाई हासिल नहीं होती। लिहाजा कि वो ज़ात परवरदिगार इंसान को अता करेगा बेअहसन माकान या अमलों, जो कुछ इंसान ने अंजाम दिया होगा उससे भी बेहतर उसको अता किया जाएगा। लिहाजा इंसान का ये तभी इसको अता होगा जो अल्लाह ने उसके लिए बनाया है, जिसके लिए अल्लाह ने इसको खलक किया है। लिहाजा अगर वो उस तर्ज से और वो जो अंदाज़ उससे अल्लाह ने कहा था उस अंदाज़ को अगर उसने बदल दिया और कुरानी अंदाज़ के मुकाबले में मुख्तलिफ़ अंदाज़ ज़िंदगी जो है वो अपना लिए, तो इंसान जो है खाली हाथ होगा वहाँ पे। इंसान जो है बजाय कि उसको बेहतर मिलता उसे बल्कि उसे अजाब होगा, उसे उसके एक तरह से वो गुनाह का मुर्तकिब हो रहा है। लिहाजा अंदाज़ ज़िंदगी, तर्ज़ ज़िंदगी हमारा क्या होगा, ये सबसे अहम तरीन मसला है आज के दौर में भी और हर दौर में ये मसला रहा है। एक सलवात लीजिए बर मोहम्मद। हमारी गुफ्तगू यहाँ तक पहुँची थी, अगर आप के ज़हन मुबारक में हो तो हमने ये अर्ज़ किया था कि इंसान की तीन लेयर्स हैं। एक, नंबर एक क्या है, अक्ल, नंबर दो कल्ब, और नंबर तीन तबीयत। उसकी तबीयत से जो उसके यानी आमाल, यानी तीसरे माने में हम कहें कि उसका जो किरदार है वो उससे उभरता है। लिहाजा ये तीनों चीज़ें, फिर हम कहते हैं कि सोसाइटी में भी तीन रुकन चाहिए, सोसाइटी भी तीन रुकन से वजूद में आती है। एक मुआशरा, एक मुआशरे की पैदावार भी अगर देखें तो इससे हटकर नहीं है एक मुआशरा। मुआशरे के बारे में एक तसव्वुर है इस कायनात के बारे में, जिसे हम कहते हैं तसव्वुर कायनात, जिसे कहते हैं जहाँबीनी। यानी अगर हम दीनी इस्तिलाह में जाएँ तो दीनी टर्म जो है उसके लिए कहा जाता है जहाँबीनी। दूसरी है आइडियोलॉजी, इंसान की आइडियोलॉजी, इंसान किस नवियत से उस चीज़ को देखता है। और तीसरा जो है वो किरदार है, वो इंसान का जो है तर्ज है, तर्ज ज़िंदगी, जिसे हम कहते हैं एक्शन। बस पहले मरहले में एक मुआशरे के लिए, मुआशरा बनाने के लिए या मुआशरे के साथ मेरी रफ्त व आमद और मुआशरे से अटैचमेंट के लिए मेरा वर्ल्ड व्यू क्या होगा कि मैं किस जाविये से कायनात को देखता हूँ, और दूसरा आइडियोलॉजी मेरी क्या होगी, मेरा अकीदा, मेरे वैल्यूज़ जहाँ पे जन्म लेते हैं, मेरे अकदार जहाँ पे पनपते हैं, वो उसके बारे में मेरी सोच क्या होगी।
और तीसरा वो है एक्शन, कि खुद ब खुद ऑटोमेटिकली जब इंसान की सोच और इंसान जहान और कायनात के बारे में जो फिक्र रखता होगा उसके मुकाबले में फिर इंसान का किरदार भी बनता है। लिहाजा ये दो मरहले जो पहले, ये बहुत सख्त है। अमली मरहला शायद उतना संगीन ना हो जितना ये फिक्री मरहला होता है, इसलिए शायर भी कहता है कि जहां बानी से दुश्वार तर है कारे जहां बीनी, जिगर खूं हो तो होती है चश्मे दिल में नजर पैदा, हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदा पर पैदा। जहां बानी वो ज्यादा मरहला संगीन नहीं है, जहां बीनी कि जहां पे आप एक फिक्र पेश कर रहे हैं, एक तस्वुर दे रहे, कोई कॉन्सेप्ट आप आइडिया आप पेश कर रहे, वो संगीन मरहला होता है कि किस तरह से आप करें। तो उसके लिए चाहिए, उसके लिए चश्म बीना चाहिए, उसके लिए दिल आगाह चाहिए। अब जो दिल खुफ्ता हो, जो दिल गफलत में हो, जिस कल्ब पे गुनाहों का साया पड़ा हो, जिस कल्ब पे वो जंग लगा हो, जिस कल्ब पे मोहर लगी हो, जैसे कुरान कहता है बाज कुलूब पे मोहर लगी है, बाज कल्ब पे, बाज दिलों पे जो है वो जंग लगा है, बाज दिल जो है वो पत्थर से भी बढ़कर हो गए, तो उन दिलों से कुछ निकलेगा नहीं, उनसे कोई तर नहीं निकलेगी, कोई आइडिया और कोई आइडियोलॉजी उनसे पैदा नहीं हो सकती। तवज्जो कर रहे हैं आप, ये बड़ा अहम और नाजुक मरहला है कि जहाँ पे हमें दिक्कत करनी चाहिए काफ़ी गहराई के साथ। लिहाजा ये जो तीन मरहले हमने बयान किए, अकल, दिल और एक्शन यानी इंसान का अमल, ये एक दूसरे पे मौकूफ़ है। ऐसा नहीं है कि फ़कत फिक्र हम करें और हम ये हमारी अमल पे असर गुजारो, बल्कि हमारी अमल भी हमारी फिक्र पे असर गुजार होती है, कभी कभी बराकस भी होता है। बिल्कुल, मिसाल के तौर पे अगर इंसान का अकीदा कमज़ोर हो, इंसान के अकीदे में पुख्तगी ना हो, तो क्या कर सकता है इंसान? इंसान के अकीदे में अगर पुख्तगी ना हो तो उसका अमल भी कमज़ोर होता है, कमज़ोर होता है उसका अमल। मसलन अगर शहादत के बारे में इंसान का अकीदा पुख्ता ना हो, या इमामत के बारे में आप ले लीजिए, इमामत के बारे में अगर इंसान का तसव्वुर ये हो कि हमें इमामत से फ़कत अपनी हाजतें लेना है, मसलन अगर इंसान का अकीदा और तसव्वुर इस हद तक हो कि हमें इमाम से फ़कत हाजतें लेनी है, तो ऐसा बंदा कभी भी निज़ाम इमामत तक नहीं पहुंच सकता। निज़ाम इमामत की कोशिश उसके एक्शन में पैदा नहीं हो सकती, उसकी कोशिश और उसकी दौड़ दू फ़कत इस हद तक होगी कि मैंने क्या करना है, मैंने हाजतें लेनी है इमाम से, मेरी जो मुश्किलात है मैंने वो मुश्किलात हल करानी है। लेकिन अगर इसके अकीदे में ये हो कि अल्लाह ने जो निज़ाम बनाया है उस निज़ाम के लिए एक इमाम का होना ज़रूरी है, जब तक वो निज़ाम ना हो, जब तक वो इमाम ना हो, मेरा तर्ज अमल जो है वो फीका है, उसमें वो पुख्तगी नहीं होगी। अगर ये तस्वुर इंसान के अंदर पैदा हो जाए तो इंसान हकीकी मानों में निज़ाम ज़िंदगी के लिए दौड़ धूप कर सकता है। सैयद शिराज़ी मारूफ जर्नल जो सरज़मीन इनकलाब का था, उनके बारे में मशहूर है कि वो जब दुआ पढ़ते थे कुनूत में, उनकी एक ही दुआ होती थी, सिर्फ वो दुआ कि जो इंसान को निज़ाम इमामत की तरफ खींचती है, वो हमेशा दुआ में पढ़ते थे, दुआ इफ्तिताह में जो कलिमात हैं आखिरी हिस्से में, अल्लाहुम्मा इन्ना नरगबु इलैका फी दौलतिन करीमा तुइज्जु बिहल इस्लाम वाहला व तुज़िल्लु बिहन निफाक वाहला, परवरदिगारा मैं मेरी रगबत जो है किसकी तरफ है, मेरी रगबत निज़ाम इस्लामी की तरफ है, दौलत करीमा की तरफ है। लिहाजा जो वो कहता था, तवज्जो करे, जो वो कहता था वो करता भी था। क्यों निज़ाम
और उस सिस्टम की तरफ है जो सिस्टम, उस सिस्टम में क्या है, उस सिस्टम के अंदर मुसलमानों की और उम्मत मुस्लिमा की कामयाबी और फलाह और बहबूद है। अगर वो सिस्टम कामयाब, यानी अगर वो सिस्टम इम्प्लीमेंट हो हमारे माशरे में, हमारी सोसाइटी में। वह तो जिल्लु बहन नफाक अहल नफाक क्यों आज सवार है, ये दुआ इफ्तिता के कलिमात हमें बयान कर रहे हैं कि चूंकि हमने उस सिस्टम की तरफ रगबत नहीं की, हमने उस निज़ाम की तरह नहीं सोचा, हमारी फिक्र, हमारी सोच, हमारी जो आइडियोलॉजी है वो इसी तक थी कि हमें हमारी जो रगबतें थी वो हाजतों तक थी, वो सिस्टम तक नहीं थी। लिहाजा सैयद शिराज़ी पढ़ते थे हमेशा व तो ज़िल्लु बयान नफाक वाहल व तजअलु नाफिया मिन दुआत इला ताअतिक वलकौदत इला सबीलिक व तरज़ुकुना बिहा करामत दुनिया वल आखरा, के परवरदिगारा अगर ऐसा निज़ाम हो तो मेरी क्या जिम्मेदारी होगी इसमें। तवज्जो करें, ये जो दुआ इफ्तिता के सिलसिले में कहा गया है कि माह मुबारक रमज़ान की हर शब में इसकी तिलावत करे, इसको पढ़ा करे इंसान, क्यों पढ़ना है इस दुआ को, ताकि हमें ताल्लुक पैदा हो, ताकि हमारी कनेक्टिविटी बढ़ जाए उस हस्ती के साथ जिस हस्ती के लिए इस महीने का एहतमाम किया गया, जिस कायनात में उस निज़ाम विलायत का एहतमाम करने के लिए हमें बनाया गया कि उसके लिए हम दौड़ धूप करें। जैसे फरमाया कि वो मेरा किरदार क्या होना चाहिए, यही दुआ है ना। अगर ये दुआ इंसान पढ़े तो ये दुआ कितनी अजीम दुआ है कि अगर ये दुआ हमारी कुनूत में आ जाए। हमसे बड़े अजीम मरतबे पे कहा गया कि तुम्हारी दुआ छोटी नहीं होनी चाहिए। देखो ना, जो हमारा सिस्टम है, अगर दुआ को भी आप देखेंगे कि एक सिस्टम के तहत है, ऐसा नहीं है कि आप आए और अपने लिए दुआ करें, खुदा मेरी गाड़ी ख़राब हो गई, वो आजकल किसी काम नहीं आती। बच्चे आएंगे, वो एक मारूफ आलम दीन था ईरान का, वो कहता था कि ये जवान जो थे तो उस ज़माने में जो वो होती थी ना, यहाँ पे हीरो होंडा मशहूर थी, तो वहाँ पे एक और थी सुजुकी, उसको कहते थे कुछ इस तरह से नाम, तो वो कहता था कि मैं गया ये जवानों से सुनता था ये दुआ कर दे तो बेचारे क्या मांगते। तो एक यही कहता था अल्लाह मरजुकना मोहतरन सुजू किया अवैध दानिशमंद उनका नाम था, कि ये बेचारा यही मांगता है, पूरे मोहल्ले के लिए अगर मांगता तो शायद इसे भी मिल जाती। जैसे एक सिस्टम के तहत हमसे कहा गया है कि मांगो, जब नमाज शब के लिए उठो तो कितने मोमिन की आपने दुआ करनी है, कितने मोमिन के लिए, 40 मोमिन के लिए, और नाम बनाम नाम लेके, जिस तरह से आज 100 मोमिन का नाम लिया गया मसलन, इस तरह से नाम बनाम अल्लाह मगफिर फलान फलान, अगर अरबी भी नहीं आती आप उर्दू में कह सकते हैं, आप अपनी ज़बान में, अपनी भाषा में, जो भी आपकी ज़बान, कि फलां साहब को मसलन मगफिरत फरमा। क्यों ऐसा करना है इस सिस्टम के तहत, जब तुम औरों के लिए जो तुम खुशी मांगते हो, औरों के लिए जो तुम पसंद करते हो, वही तुम अपने लिए भी पसंद करो फिर, या जो तुम अपने लिए पसंद करते हो वो औरों के लिए पसंद करो। लिहाजा तुम अपने लिए खुशी पसंद करते हो, औरों के लिए भी खुशी पसंद करो। तुम अपने लिए शादाबी पसंद करते हो, औरों के लिए भी शादाबी पसंद करते हो। और इमाम फरमाते हैं कि मोमिन की सबसे बड़ी निशानी यही है, माँ तुहिब्बुल माँ युहिब्बुल नफ्स युहिब्बुल गैरे, जो अपने लिए पसंद करता है वो पड़ोसी के लिए भी पसंद करता है, जो अपने लिए पसंद करता है वो सब के लिए पसंद करता है। क्या आज हमारी जिंदगी और हमारा करेक्टर यही है, है क्या ऐसा ही हम करते हैं वाकन? अगर मैं अपने बिजनेस प्लान में सुपर हूँ तो क्या मैं वाकन हमसाय के लिए भी यही दरख्वास्त करता हूँ, या मैं ये देखता हूँ कि मेरा हमसाया जो है ना इतना ऊंचाई पे चला गया है कि खुदा किसी तरह से इसको नीचा गिरा दे, ऐसा तो नहीं करता हूँ मैं। तवज्जो करें आप, ये जो माह मुबारक रमज़ान की दुआएं हैं, ये दुआएं अजीम कारनामा हैं, अजीम यानी एक सोशल लाइफ किस तरह से इंसान ने गुजारनी है। अल्लाहुम्मा अदखिल अला अहलिल कुबूर सुरूर, अल्लाहुम्मा अग्नि कुल्ल फकीर, नहीं कहा कि हर फकीर को, मेरे पड़ोस में जो भी फकीर रहता है, चाहे वो मुसलमान है या नॉन मुस्लिम है, हिंदू है, जैन है, सिख है, बुद्धिस्ट है, क्रिश्चन है, यहूदी है, जिस मजहब से उसका ताल्लुक है, परवरदिगारा उस फकीर की फकीरी दूर कर,
ये कलिमात कहाँ से, ये कलिमात तय्यब है, ये पाकीज़ा कलिमात है, ये हयात तय्यबा चाहिए जिस तक पहुँचाना है। लिहाजा ये कहाँ पे ये हयात तय्यबा पैदा होती है, जब इंसान की जहाँबीनी और इंसान का जो अकीदा हो वो पुख्ता हो, जब इस हद तक हो, वगरना अगर खाम अकीदा हो मेरी तरह तो वो अपनी फिक्र में रहेगा, मेरी मुश्किल आसान कर दे, मेरी मुश्किल आसान कर दे। मुश्किलात ढूंढो, मुश्किलात हल करने हो तो तमाम लोगों की मुश्किलात के बारे में सोचो। एक सलावत भेजिए बर मोहम्मद वाले, लहजा असर है एक दूसरे का। हमारी पसंद क्या होनी चाहिए, हमारी पसंद हमारे इमाम की पसंद होनी चाहिए। अगर अकीदा पुख्ता है तो मेरी पसंद कोई माना नहीं रखती, मेरी पसंद का कोई जवाज ही नहीं अगर अकीदा पुख्ता है। अगर नापुख्तगी है अकीदे में, खाम है, कमज़ोर है, वीकनेस है, तो मैं तहमील कर देता हूँ अपने इमाम पे भी कभी कभी, यानी तहमील से यानी फोर्स करता हूँ कभी अपने इमाम पे। कभी होता है ना इंसान बजाय इनके दुआ मांगे, दुआ यानी तजर्रु करे, यानी अपने ज़ाफ का इजहार करे, बजाय कि इंसान इस इबादत में अपने ज़ाफ का इजहार करे, इंसान जो है ना कमांड देता है, लिस्ट लगा के देखता है, फोर्स करता है, भाई ये मुझे चाहिए, अगर नहीं मिलेगा तो थे इतने भी। अल्लाह देता भी है, ऐसा नहीं कि अल्लाह नहीं देता, लेकिन जो राबिता इंसान के अब्द, इंसान के माबूद होने का, इंसान अब्द हो और अल्लाह माबूद हो, वो राबिता पुख्ता नहीं हो पाता। एक अजीम आलमी दीन थे करबला, फरमाते हैं कि नजप में थे बजाय, तो काफ़ी अरसे से दुआ मांग रहे थे, तो दुआ मांगते मांगते देखा कि महीनों से दुआ मुस्तजाब नहीं हो रही। ज़ाहरन अल्लामा अमीन या कोई और आलमी दीन थे, कहते कि एक अरब आया, अरब जो अशायर हैं रेगिस्तानों में रहते हैं, भाई जी आया और ज़री को पकड़ा और कहा मेरी फ़लाँ हाजत है, मेरी फ़लाँ हाजत पूरी कर दो। कहा इसकी हाजत फ़ौरन रवा होगी और चला गया। ये आलमी दीन कहते हैं कि जब मैंने देखा वो मुसल्ला उठाया और घर चला गया, परेशान था, मैं महीनों से आहोजारी कर रहा हूँ, तो क्या देखता है कि ख्वाब में अपने इमाम की ज़ियारत होती है। क्यों तू इतना उदास है? कहा कि या इमाम वो बंदा आ जाया, वो तो दो मिनट भी रुका नहीं हरम में और उसकी हाजत दो मिनट में पूरी, और मैं महीनों से लगा हूँ लाइन में, अभी तक मेरी हाजत पूरी नहीं हो पाती। कहा तू मेरा अपना है, तुझसे मेरी मोहब्बत ये है कि जो तेरा अंदाज है वो मुझे पसंद है, कि तू ज़्यादा वक्त हमारे साथ गुजारे। कभी होता है ना दुआएं कबूल नहीं होती, इंसान बाज ऐसे भी हैं आज के दौर में भी, कि हम क्यों नमाज पढ़ेंगे हमारी दुआ कबूल नहीं होती, हम क्यों रोज़ा रखें हमारी दुआएं मुस्तजाब नहीं होती। नहीं, इंसान को, इंसान कल को देखेगा ना जब उसके सामने सारी चीज़ें पेश की जाएंगी, तो जो दुआएं उसने मांगी है और वो मुस्तजाब नहीं हुई या वो चीज़ उसे नहीं दी गई, तो इंसान ये तमन्ना करेगा कर कयामत में, काश मेरी एक भी दुआ कबूल ना हो जाती, काश मेरी एक भी दुआ कबूल ना होती। लिहाजा इज़्ज़ान मोहतरम, एक दूसरे पे असर है अकीदा, अगर कमज़ोर है तो ये अमल में भी ज़ाहिर होता है। इमाम अली अलैहिस्सलाम अपनी दौरान खिलाफत में शहर अंबार का दौरा करने गए, शहर अंबार के लोग निकले, इमाम आगे, वो जो निकले तो वो क्या कहते हैं उसको, डोल लेके निकले, हाथों में बड़ी बड़ी जो लाठियां थी वो होती, और जब इमाम नज़दीक पहुंचे तो देखा कि ये जो है, जो अल्फाज इस्तेमाल हुए हैं वो है तरज्जुल। तरज्जुल का मतलब है कि एक पैर उठाना और फिर ज़मीन पर रखना, उठाना ज़मीन पर रखना, यानी जिसको आप आज के दौर में कहते हैं रक्स,
डांस, वो रक्स कर रहे थे। कभी खम हो जाते थे और कभी उठते थे, अपना पांव उठाते थे, दोबारा ज़मीन पे पटक देते थे और इस तरह से वो इमाम की खुशामद करते। इमाम ने फरमाया कि ये क्या हो रहा है भाई क्या कर रहे हो तुम लोग? तो अर्ज़ किया कि मौला हम तो खुशामद कर रहे हैं, आपका इस्तकबाल कर रहे हैं। कहा कि ये जो तुम कर रहे हो ना, इससे तुम लोगों को कोई फ़ायदा होगा और ना ही मुझे कोई फ़ायदा होगा। अगर कोई ऐसा काम होता है कि जिससे या तो तुम लोगों को फ़ायदा होता है, फिर भी मैं कहता कि हाँ भाई तुम ठीक कर रहे हो, या मुझे कोई फ़ायदा पहुंचता तब भी मैं इस अमर का जवाब देता आपको, जाओ मेरी तरफ से परमिशन है या आपको अप्रूवल मिला, जाइए आप लोग ऐसा कीजिए। नहीं है ना आपका कोई फ़ायदा ना मेरा कोई फ़ायदा, आप ये अपना पैर उठा के फिर पटक देते हो ज़मीन पर, डांस करते हो। यह तरजुल करने से बेहतर था कि तुम शमशेर लेके निकलते और मेरी नुसरत को आते, तब फ़ायदा होता ना, आपको भी फ़ायदा होता कि आपने अपने इमाम की नुसरत की और मेरा भी फ़ायदा होता कि मेरी उम्मत ने मेरी नुसरत की। लेकिन नुसरत करने नहीं आते हो, तवज्जो कर, नुसरत के लिए आगे नहीं बढ़ते। आगे बढ़ते हो तो क्यों? क्योंकि उनमें, उन चीज़ों में उनको सुकून आता था। कहा मौला ये तो हमारे यहाँ की रीत है, ये रस्म है हमारे यहाँ की, जो भी बड़ा आता है कोई तो इसका इस्तकबाल इस तरीके से होता है। कहा इस्लाम में ऐसा कोई इस्तकबाल नहीं है, इस्लाम कोई ऐसे इस्तकबाल को पसंद नहीं करता कि जिस इस्तकबाल में लहो लग लाइब हो, जिसमें लहवियात हो, जिसमें इंसान सरगर्म हो जाए। लिहाजा हर सरगर्मी जो इंसान के शऊर को मिटा दे और इंसान को जहमत में डाल दे, उस सरगर्मी को इस्लाम पसंद नहीं करता, नहीं करता। आज भी कितने लहो लाइब के आलात और अवज़ार बनाए गए हैं, म्यूजिकल इक्विपमेंट्स जो मुख्तलिफ है, हराम है, लेकिन एक दीनदार शख्स शौक से घर में रखता है। लिहाजा अज़ीज़ान मोहतरम के इमाम फरमा दें कि नहीं है, इसका असर क्या है, ये क्यों तुम करते हो? इस वजह से करते हो कि तुम्हारा अकीदा जो है इमामत के बारे में गलत है। तुम इमामत को शहनशाही समझते हो, तुम इमामत को तसव्वुर तुम्हारा ये है, कॉन्सेप्ट तुम्हारा यह है कि इमामत जो है वो एक किंग की तरह है। शायद जैसे किंग होता है, कोई बादशाह होता है और बादशाह के महजर में जाते हैं, जब बादशाह कहीं पे आता है तो उसके लिए डेडियाँ बांधी जाती है और तरह तरह के जो खान लगाए जाते हैं, इस तरह से तुम्हारा तसव्वुर है। इमाम तुम्हारी इस्लाह के लिए आए हैं, तुम्हारे फ्यूचर प्लान को ठीक करने के लिए आए, न कि जो तुम्हारा प्लान है उसके तहत इमाम को चलना है, ये इमामत है। जैसा हमारा राबिता जो इमाम के साथ होना चाहिए वो राबिता इमामत का होना चाहिए, कि वो इमाम है तो हम इमाम की उम्मत हैं, उम्मत ही बन के हम जाएँ, मामूम बन के जाएँ। अब मसलन अगर आगे हमारे इमाम साहब होते हैं, नमाज़ पढ़ाते हैं, अगर हम मान लें कि भाई हमारे यहाँ की रस्म ये है कि आप दो सजदे करें, हम तीन सजदे करेंगे, हम आपसे पहले पहले नमाज़ पढ़ेंगे, तो चलेगा? इमाम व उम्मत का राबिता ऐसा ही होता है कि जहाँ जिस तरीके से इमाम चल रहे हैं, जहाँ पे इमाम रुके आपने रुकना है, जहाँ पे इमाम झुके आपने झुकना है, जहाँ पे इमाम सजदे में आपने सजदे में, जहाँ पे इमाम ने क़याम किया आपने क़याम करना है, तब जाके इमाम व उम्मत और इमाम व मामूम का राबिता सही है। अगर एक भी वजब इमाम से पीछे हटे या एक भी वजब इमाम से आगे गई, आपकी नमाज बातिल, हमारी नमाजों का कुछ नहीं होगा। लिहाजा महवर जो हमारी तर्ज ज़िंदगी में होना चाहिए वो रज़ायत इमाम है, रज़ायत इमाम, इमाम राज़ी हैं या नहीं है, ये महवर है। एक सलवात भेजिए पर मोहम्मद वाले। लिहाजा कुरान कहता है ثم كان عاقبة الذين أساءوا أن كذبوا بآيات الله وكانوا بها يستهزئون, कि फिर उन लोगों का अंजाम जिन्होंने बुराइयाँ की, जो बुराइयों में मुब्तला थे, जो गुनाहों से आलूदा हो चुके थे, उनका अंजाम क्या हुआ, सन अंजाम उन्होंने क्या किया अगर कोई गुनाह में मुब्तला हो गया? गुनाहों का असर ये था और उनकी बुराइयों का असर ये था कि अनकज़्ज़बू बिआयातिल्लाह, आखिर में उन्होंने आयात इलाही को जुटलाया,
आयात इलाही अल्लाह ताला की निशानियों के मुकाबले में वो आ गए जो कहीं पे किसी लग्जिश में मुबतला हो गए, जिसके अंदर कोई शहवत पैदा हो गई, जिसके अंदर कोई हवस पैदा हो गई, तो आखिर में अनकज़्ज़बू बिआयात इल्लाह वकानु बिहा यस्तहज़ऊन, वो उन चीज़ों का मजाक उड़ाता था, इस्तेहज़ा करता था। इज़्ज़ाने मोहतरम, तारीख भरी हुई है, तारीख के अजीम कारनामे और किरदार हमारे लिए बेहतरीन मिसाल है। सैफुल इस्लाम का लकब जिस अजीम हस्ती को दिया गया, ज़ुबैर इब्ने अवाम, ज़ुबैर इब्ने अवाम, लेकिन आखिर में आकिबत ज़ुबैर क्या हुआ, अंजाम क्या था ज़ुबैर का? अनकज़्ज़बू बिआयातिल्लाह, आयत इलाही। मौला फरमाते हैं इस आयत की, आयत इलाही की तफसीर में फरमाते हैं कि आया मुझसे बढ़कर कोई आयत इलाही है इस कायनात में? सबसे बड़ी आयत इलाही, आयत यानी निशानी, अल्लाह की निशानी कि जो तुझे अल्लाह की तरफ गामजन करे, अल्लाह की तरफ तुझे डायरेक्शन दे। मौला फरमाते कि मुझसे बढ़कर कोई निशानी है? लेकिन ये सैफुल इस्लाम और ये जो शाना बशाना मौला के थे और शाना बशाना रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हमराही में थे, तो ये भी आखिर में अपने उस हवस इख्तदार की वजह से इमाम के मुकाबले में, आयत कुबरा के मुकाबले में आ गए। अनकज़्ज़बू बिआयति ला वकानू बिहा यस्तहज़ऊन। लिहाजा अगर अकीदा पुख्ता नहीं है तो ये अमल पे असर अंदाज होता है और इसी तरह से असर, आपने देखा होगा इंसान, अगर बच्चे को किसी चीज़ का यकीन ना हो तो ये गड़बड़ करता है, ये हंकलाना शुरू करता है, बोल नहीं पाता। कोई चीज़ अगर इससे कहे कि बताओ सबक जो आपने पढ़ा कल वो ज़रा सुनाओ, या बड़ों से अगर कोई बात करनी हो तो उसका असर तवज्जो करे। यानी अगर यकीन नहीं है, अगर शक है, तो इंसान जो है ना गड़बड़ा जाता है, उसकी बात करने में उलझन पैदा होती है, वो बात सही तरीके से नहीं कर पाता। इंसान को अगर किसी चीज़ का डर हुआ, खौफ पैदा हो गया, तो इंसान के चेहरे का रंग उड़ जाता है। यानी बस इंसान के दिल का असर इंसान के जिस्म पे भी रोनुमा होता है। और इसी तरह से अगर इंसान ने कोई ऐसा काम किया कि जो उसकी शर्मिंदगी का बायस बनता है, तो इसका असर इंसान के चेहरे पे पड़ता है, इंसान का चेहरा जो है ना वो किसी और रंग का हो जाता है। इंसान को गुस्सा आए तो इंसान का रंग कोई और रंग हो जाता है, गुस्से में लाल रंग होता है, शर्म के मारे जो है ना वो कोई और रंग होता है, डर के मारे उसका रंग जो है ना वो पीला रंग हो जाता है, नीला होता है, अला जो भी रंग होता है, मुख्तलिफ रंग होते हैं इंसान के। कहाँ से ये तासुर कहाँ से पैदा हुआ? जब उसका जो अकीदा था या जो उसने काम किया था या जो उसने सोचा था उसका असर उसके ज़ाहिर पे भी पड़ा। तवज्जो करें आप, लिहाजा ज़ाहिर व बातिन की ये जंग हमेशा जारी है। आप अच्छा लिबास पहन के आए, अच्छा लिबास, अच्छा कोट पहन के आए, अगर आपने कुछ भी नहीं पढ़ा होगा तब भी सामने वाले पे उसका इम्प्रेशन बढ़ता है। आपने बहुत कुछ पढ़ा हो लेकिन लिबास आपका खुरदुरा लिबास है, बाल आपके ऐसे उलझे हुए, न कंघी लगाई है न शेव किया है इस तरह से, तो कोई आपको इस्तकबाल में भी नहीं आएगा। कहते हैं एक मुल्क से जब हज पे जाते हैं, वो बड़े बड़े करोड़पति हैं, अला मुल्क का नाम नहीं लूँगा मैं, कहते हैं कि वहाँ से जब आती है वो कौम हज के लिए, तो सऊदी उनका मजाक उड़ाते, मस्खरा करते, समझते हैं उनके लिबास से उनको लगता है कि ये सबसे फ़कीर तरीन मुल्क से आए, सबसे गरीब मुल्क से आए। दरअसल कि वो अच्छे खासे हैं, यानी अच्छी खासी उनकी इनकम होती है, करोड़ों और लखपतियों में उनका शुमार होता है, लेकिन उनकी हालत ऐसी होती है कि सामने वाला समझता है शायद बेकारी है, भीख मांगने के लिए आ गए, तो सामने वाले पे भी असर पड़ता है। अज़ीज़ान मोहतरम, ज़ाहिर का बातिन पे, बातिन का ज़ाहिर पे। इसलिए मौलाए कुल अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम फरमाते हैं मन असलह सरीरतह असलह अल्लाहु अलानियतह, जो अपने दिल को अपनी रूह को पाक करे, अपनी रूह की इस्लाह करे, अल्लाह ताला उसके
ظاہر کی اصلاح کرتا ہے. کردار عظیم ہے ہمارے پاس اپنے دل کی اصلاح, اپنے قلب کی اصلاح. یہ پاکیزہ جگہ ہے نا, اگر یہ پاک و پاکیزہ ہو گئی تو انسان کا کردار پاکیزہ ہو جاتا ہے. اگر اس میں گڑبڑ ہو گئی نا, یہ چپ جو لگا ہوا ہے انسان کے, اس میں توجہ کرے. ایک صلوات بھیجیے بار محمد. یہ جو سم کارڈ اللہ تعالیٰ نے انسان کے یہاں پہ لگایا ہے, یہ سم کارڈ اگر اس میں ذرا سی بھی گڑبڑ ہوگی تو نیٹورک نہیں آئے گا پھر انسان کا, بالکل نیٹورک سے رہ جاتا ہے. تھوڑی سی بھی یہ چپ خراب ہو گئی تو رہ جائے گا. اب وہ نیٹورک کیسے آئے گا؟ جتنا انسان کا عقیدہ پختہ ہو اتنا انسان کا نیٹورک بھی کلیئر آئے گا. 5G کیا ہے, 5G سے بھی آگے جو آپ سوچ سکتے ہیں. 6G کیا کیا ہوگا آئندہ پتہ نہیں کیا کیا ہوگا, لیکن وہ اس کی پختگی پہ ہوگا. جتنا یہ سم کارڈ صحیح ہوگا, اچھی کمپنی کا ہوگا اتنا. اب کس نے لگایا یہ؟ اللہ نے. ونفخت فیہ من روحی, یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے. اب کیسے یہ خراب ہو گیا, کیسے اس میں زنگ لگ گئی؟ میرے گناہوں کی وجہ سے زنگ لگی ہے. اس کو کہیں پہ لے جانے کی ضرورت ہے, اس کی تعمیر کرانے کی ضرورت ہے. اس میں زنگ لگا ہے, اس میں مہر لگی ہے. اگر اس پہ مہر لگی ہے, اگر اس پر پابندی لگی ہے تو اس کو کھول نہیں سکتے, کوئی چیز نہیں کھولے گی اس کو. اب اس پہ رات بھر دن بھر تم آیتیں قرآن کی پڑھتے رہو, فزادہم اللہ مرضا. ارے ہزاروں کی تعداد میں اس پہ آئے ولایت پڑھو تو تھوڑی اس کے اندر ولایت پیدا ہوگی. یہ تو پہلے سے ہی بغض ولایت سے بھرا ہوا ہے, یہ چپ خراب ہو چکی ہے. بغض ولایت کی مہر لگی ہے اس پہ, نہیں کھول سکتے ہم اس کو. خوارج جو تاریخ اسلام میں ایسے انسان تھے کہ یعنی تاریخ کہہ دی ہے کہ حافظان قرآن تھے, اور شب نمازیں ان سے قضا نہیں ہوتی تھی کبھی. شب نماز, اصلا دن کی نماز کی تو بات ہی نہیں, شب نماز, نماز شب قضا نہیں ہوتی. لیکن ان کی چپ خراب ہو گئی تھی, کنیکٹ نہیں ہو پائے. کتنا بھی ان کو سمجھایا, مولا خود سمجھانے گئے ان کو مہربان میں, نہیں ہو گئے, خراب کے خراب ہی رہ گئے. چونکہ ختم اللہ علی قلوبہم, چونکہ ان کے قلب پہ, اگرچہ وہ قاری تھے لیکن ان کے دلوں پہ مہر لگی تھی, ابھی کھلنے والے نہیں. اس کو جو ہے نا کہتے ہیں نا, وہ سم کارڈ کو کیا کیا جاتا ہے, یہ ختم ہو گیا, اس کا جو ایکسپائر ڈیٹ آ چکا ہے, اب یہ نہیں چل پائے گا. لہذا نئی سم نکالنی, نئی سم ڈال دی ان کے اندر. لہذا انسان کو اس کو, اسی لیے کہتے تھے حضرت عیسیٰ علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ جب موسیٰ آیا مجھ سے پہلے تو موسیٰ نے کہا کہ گناہ مت کرو, میں عیسیٰ نبی خدا کہتا ہوں گناہ کا تصور بھی مت کرو, تصور گناہ بھی مت کرو. عرض کیا گیا, حواریوں نے پوچھا یا نبی اللہ کیوں تصور گناہ سے کیا ہوگا؟ کہا کہ کبھی دیکھا ہے آپ ایک کمرے میں جائیں اور کمرے میں شیشہ لگائے چاروں طرف, آپ نے کچھ نہیں کرنا ہے, اس کمرے کے اندر فقط آگ جلانی ہے. آگ جلانے کے بعد آگ کو بجھا دو, پھر دیکھو کہ اس شیشے پہ جو دھول چڑھتی ہے, جو سایہ اس دھوئیں کا پڑتا ہے, اس کو رومال سے صاف کرو. کہا کہ یہ ہمارا دل جو ہے, جو اللہ نے ہمیں عطا کیا ہے, یہ اسی شیشے کی طرح ہے. اور انسان جب گناہ کا تصور کرتا ہے تو وہ آگ نہیں ہے بلکہ وہ دھواں ہے جو اس شیشے پہ آ کے لگ جاتا ہے. لہذا ہمیں چاہیے کہ امام فرما دے کہ میں نے جو نامہ لکھا, وصیت جو تھی امیر المومنین علیہ الصلاۃ والسلام کی, اور جسے ماہرین کہتے ہیں کہ یہ منشور تربیت ہے. تربیت کے لیے اگر آپ نے کوئی منشور چاہیے, کوئی لائحہ عمل چاہیے کہ جس کو آپ اپنی فیملی میں امپلیمنٹ کر سکے, تو وہ مکتوب ہے کہ جو مولا نے اپنے فرزند اکبر امام حسن مجتبیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کو لکھا. اس میں فرمایا مولا نے کہ بیٹا میں نے تمہاری تربیت اس زمانے سے شروع کی
कबल इनकी जो तेरे अंदर अल्लाह का वदिया शुदा और जो हदीय इलाही तेरे अंदर था, यानी रूह जो तेरे अंदर थी, तेरे अंदर जो कल्ब था, इससे पहले कि ये सख्त हो जाता, ये पत्थर बन जाता, मैंने तेरी ये तरबियत शुरू कर दी। इसलिए कहा गया कि बचपने में 7 साल जो है ना, 7 साल के बाद बच्चे की तरबियत का पीरियड शुरू हो जाता है। बच्चे को नमाज की तरफ रगबत दिलाओ, बच्चों की विलायत की तरफ रगबत दिलाओ, बच्चे को मजालिस की तरफ रगबत दिलाओ, बच्चे को महाफिल की तरफ रगबत दिलाओ, बच्चे को इमामत की तरफ रगबत दिलाओ इंसान को। तो लाजिम यह है कि मन असलह सरीरतहु असलहल्लाहु अलानियतह। ये हिकमत नंबर 86, इसको नोट करें, हिकमत नंबर 86। इसमें फरमाते हैं मौला कि जिसने अपने रूह की इस्लाह की, अपने दिल की इस्लाह की, उस अल्लाह उसके जाहिर की इस्लाह करता है, जाहिर उसका ठीक कर देता है। वमन असलह मा बैनहु व बैनल्लाह असलहुल्लाहु मा बैनहु व बैनन्नास। अल्लाह कुर्बान हमारी जान मौला के इस फरमान पे, फरमाते हैं कि मौला जो मेरे और अपने दरमियान का राबिता ठीक करे, जो ताल्लुक मेरे दरमियान और इंसान के दरमियान होना चाहिए, अगर इंसान ने वो ताल्लुक ठीक किया, मौला फरमाते हैं कि अल्लाह कहता है कि मैं उसका ताल्लुक और उसके ताल्लुकात अवाम के साथ ठीक कर दूँगा। कभी होता ना हम, लेकिन हमारी मैथमेटिकल सोच क्या लगाती है, वो कहती है कि नहीं ये 1 2 3 4 5 होना चाहिए, तब मेरे राबिते उसके साथ ठीक हो जाएंगे। मौला फरमाते हैं कि नहीं, एक फार्मूला ये भी है जो इलाही फार्मूला है कि तेरा राबिता अल्लाह से ठीक हो तो तेरा राबिता जो है ना अल्लाह लोगों के साथ तेरा राबिता ठीक कर देगा। लिहाजा अज़ीज़ान मोहतरम, फिर फरमाया वमन अमिल आखिरा कफ़ाहुल्लाहु मऊनत दुनिया। जो आखरत की फिक्र में होगा, आखरत की दौड़ धूप में होगा, तो अल्लाह ताला उसके दुनिया को आबाद कर दे। अजीब फार्मूले हैं कि जो आखरत की फिक्र में रहेगा अल्लाह दुनिया उसकी आबाद कर देगा, और जो दुनिया की फिक्र में रहेगा उसकी आबाद आखरत भी चली जाती। लिहाजा ऐसे इंसान भी थे कि जो पूछते थे कि भाई हम मौत से क्यों डरते हैं, तो असहाब फरमाते थे, असहाब इमाम, कि खर्रब तुम अल आखरा व अमर तुम अल दुनिया। तुम इसलिए मौत से डरते हो क्योंकि तुम लोगों ने दुनिया को की तामीर की लेकिन आखरत को बर्बाद कर दी, आखरत को इंसान बर्बाद कर दिया। लिहाजा हकीकी अकीदा, बस एक दूसरे पे इसका असर है, एक दूसरे पे तासुर है इसका। इमाम फरमाते हैं एक और हदीस में, मौजफ़त दमु इलाल कसवत अलकालब, कि इंसान रो क्यों नहीं पाता, क्यों नहीं रोता, इंसान की आंखों से आंसू क्यों नहीं निकलते, क्या वजह है कि इंसान के आंसू खुश्क हो जाते हैं। इमाम फरमाते हैं कि ये फकत इस कल्ब की वजह से, चूंकि आंसुओं का सरचश्मा इंसान का दिल है, इंसान का कल्ब है, तो अगर इंसान का कल्ब जो है वो पत्थर दिल हो गया, संग दिल हो गया, अगर ये कसियुल कल्ब हो गया तो इससे अब क्या होगा, इससे अब आंसू नहीं निकलेगा, इससे पानी नहीं निकलेगा। और फरमाते वो मा कसरतिल कुलूब इल्ला कसरतिज़ुनूब। फरमाते हैं कि ये वसाइल शिया में जिल्द नंबर 16 सफ़ नंबर 45 फरमाते हैं कि ये दिल पत्थर का क्यों हो जाता है, संग दिल क्यों बनता है इंसान। फरमाते लिकसरतिज़ुनूब, गुनाह ज़्यादा करने की वजह से। जैसे जब इंसान के गुनाह ज़्यादा हो जाते हैं तो इंसान का दिल पत्थर का हो जाता है, और जब इंसान पत्थर दिल बनता है तो अब उसके अंदर रहमदिली पैदा नहीं होती, कहाँ से रहमदिली पैदा होगी। अज़ीज़ान मोहतरम, लिहाजा ज़रूरत जो है वो ये है कि इंसान का तफक्कुर भी सही हो, पुख्ता हो, अकीदा हो, और इंसान का जो अमल है इंसान का अमल भी सही हो। लिहाजा आदाब इस्लामी में हमें यह कहा गया कि नमाज जो है, नमाज में एक सेंटर की तरफ हमें जाना चाहिए, तवज्जो करें, एक मरकज़ की तरफ हमें रुख करना है। अगरचे वा इन्नमा तवल्लु फसम्मा वजहुल्लाह, अगरचे अल्लाह हर तरफ से है, तुम जिस तरफ भी अपना चेहरा करोगे वहाँ तुम अल्लाह पाओगे,
लेकिन कहा कि जब नमाज का वक्त आए तो नमाज के लिए एक सेंटर पॉइंट है, उस सेंटर पॉइंट की तरफ अपने तवज्जो करनी, अपना रुख करना है। अगर उस सेंटर पॉइंट से आप थोड़ा सा भी हिले तो आपकी नमाज 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 चूंकि फ़र्ज है, वाजिब है, तवज्जो करें। नमाज यानी जो रूह की गज़ा है। और इसी तरह से कहा गया कि जो तुम इंसान अपने जिस्म की गज़ा जो तुम तैयार करते हो, अगर तुम्हें किसी भेड़ को ज़बह करना है, अगर एक मुर्गी को ज़बह करना है, तो उसका रुख भी किस तरफ होना चाहिए? वो सेंटर पॉइंट की तरफ, जिसे क़िबला कहते हैं। लिहाजा जो लुक्मा हलाल तुम्हारे जिस्म में जाता है वो भी क़िबला रुख हो, उस सेंटर पॉइंट की तरफ हो, और जो फरीज़ा है तुम्हारा, जो रूह की गज़ा है, वो भी सेंटर पॉइंट की तरफ होना चाहिए। अगर ये सेंटर से हिल गया तो जो जिसको तुम ज़बह कर रहे हो, जिसको तुमने अपने हाथों से पाला पोसा, वो भेड़, वो जानवर जिसको तुमने तैयार किया, वो जानवर भी मुर्दार हो जाएगा। और अगर तुम्हारा रुख क़िबले से हट गया तो तुम्हारी नमाज भी बातिल हो जाए। अब अगर इंसान, ये इंसान का ज़ाहिर है, जोग्राफियाई एतबार से देखे तो अल्लाह ताला हर जगह है, जिसमें किसी जोग्राफिया की ज़रूरत नहीं है। इसी तरह से अज़ीज़ान मोहतरम, इसी तरह से दिल के लिए एक सेंटर पॉइंट बनाया, तवज्जो करें। दिल का मरकज़ कौन है? दिल का जो आलिम है, दिल का जो हाकिम है, वो कौन है? फरमाया है वो है विलायत आयम हुदा अलैहिस्सलात वस्सलाम। विलायत, जैसे अगर विलायत से भी आप हट गए, विलायत वो सेंटर पॉइंट है, वो महवर और मेयार है, अगर इंसान की तवज्जो उससे हट गई तो ये सारी ज़िंदगी इंसान की बातिल हो जाएगी। सारी इंसान की ज़िंदगी ये बातिल ही नहीं, बल्कि मैं ये कहूँगा जो रवायत में आया है कि ये सारी इंसान की ज़िंदगी मुर्दार की ज़िंदगी हो जाएगी। मुर्दार की, मन माता वलम यारिफ इमाम ज़मानी ही माता मीततन जाहिलिया। यानी जो इंसान उस सेंटर पॉइंट की शिनाख्त ना रखता हो, वो खाता भी है लेकिन मुर्दार है, वो पीता भी है वो मुर्दार है, वो सोता भी है लेकिन मुर्दार है। उस मुर्दार में और इस मुर्दार में फ़र्क नहीं है। लिहाजा हमें चाहिए कि उस हकीकी दीन की तरफ हमारी रगबत बढ़े। हमारा तर्ज़े कुरान जो तर्ज़े अमल बयान कर रहा है कुरान, तर्ज़े तफक्कुर जो बयान कर रहा है, वो फ़कत महवर विलायत पे है और किसी पे नहीं। कोई भी हुकूमत, कोई भी डेमोक्रेसी आप कुरान से निकाल के देंगे नहीं निकाल सकते। नहीं, जो निज़ाम दिया है, सिस्टम दिया है, खाने का सिस्टम, पीने का सिस्टम, असलन सुफरा जो आप दस्तरखान बिछाते हैं, इसके लिए जो आदाब कुरान ने बयान किए, असलन जब आप बैतुल खला जाते हैं तो उसका जो सिस्टम बयान किया है कुरान ने, वज़ीम सिस्टम है। आयतुल्लाह कराती साहब फरमाते थे, एक दिन एक प्रोग्राम था उनके पास, 3 महीने का पूरा एक कोर्स था तरबियत मुबल्लिगे कुरान, तो उसमें फरमाते थे कि मुझे एक दिन कहा गया कि आपको शिराज जाना है, शिराज शहरी शिराज में डॉक्टरों के MBBS जो कर रहे हैं, MBBS डॉक्टर, उनके सामने आपने तकरीर करनी है, थोड़ा उनको दीनी माहौल पैदा करना है। और चूंकि जानते थे कि उस्ताद कराती साहब जो है वो मिजाह ज़्यादा करते हैं, लिहाजा फरमाया कि कोई ऐसी बात ना कहे, चूंकि ये डॉक्टर हैं, बड़े बड़े ऑफिसर हैं, ये छोटे नहीं हैं, बड़े डॉक्टर हैं, प्रोफेसर हैं वहाँ पर, तो आप ऐसा मौजू छेड़िए कि जो फलसफी हो, जो मसलन बड़े बड़े फ़िलासफ़र जिसको नहीं समझ सकते। उस्ताद कराती साहब फरमाते कि मैंने सुना, तो जब हम वहाँ पे पहुँचे तो, और उनका अपना एक अंदाज़, अल्लाह उनको सलामत रखे, उनकी सलामती के लिए और तमाम मराजे राहबर की सलामती के लिए एक सलवात भेजिए, कह रहे कि मुझे वसवसा होने लगा, सचमुच मुझे कोई बड़ा सा टॉपिक लेना चाहिए जिसमें फ़लसफ़ी गुफ्तगू हो, जो ऊंची दर्जे की गुफ्तगू। कहा कि जैसे मैं वारिद हुआ तो, और बोर्ड, चूंकि उनके लिए बोर्ड हमेशा होता है, जहाँ पे भी हो तो बोर्ड सामने होना चाहिए, तो बोर्ड पे मैंने बड़ा लिख दिया बैतुल खला,
آداب بیت الخلا کہ لیٹرن جانے کے آداب کیا ہیں. تو آخر میں جب میں نے سارے آداب جو اسلام نے بیان کیے ہیں تو سب کے سب آنے لگے, یہ تو جو میڈیکل سائنس ہے وہ تو آج بھی یہی کہہ رہا ہے کہ ایسا ہی کرنا چاہیے. اس طرح سے جب جاؤ گے تو کون سا پیر آپ کو اندر رکھنا ہے, جب باہر آؤ گے تو کیا کرنا ہے, جب اندر جاؤ گے تو کچھ سر پہ سر ڈھانپ کے جانا, ایسے نہیں جانا. جب میں نے سارے آداب ان کو بتا دیا کہ میڈیکل سائنس بھی تو یہی کہہ رہا ہے, ہم کچھ تھوڑی اور کچھ کہہ رہے ہیں. تو پھر راستے میں جب واپس آئے تو ان سے کہا, دیکھا کتنی بڑی فلاسفی کی بات میں نے کی, آپ کہہ رہے تھے کسی ارسطو کا بتاؤ, کسی پلیٹو کا بتاؤ, کسی سقراط کا کوئی نظریہ پیش کرو, قرآن ہمارے پاس ہے. ان کا فرمانا یہ تھا کہ قرآن نے ہمیں سب کچھ دیا, قرآن کے پاس ہمارے ہیں, لیکن ہم جاتے نہیں قرآن کی طرف کہ ہم تدبر کریں قرآن. عزیزان محترم, لہذا یہ جو بیان کیا گیا کہ انسان کی روح پہ اس کی فکر اثر انداز ہوتی ہے اور فکر پہ انسان کی روح بھی اثر انداز ہوتی ہے, چونکہ تفصیلی گفتگو ہے, لہذا اس تفصیل سے ہم تھوڑا گریز کرتے ہوئے, اللہ تعالی ہم سب کو انشاءاللہ یہ جو کلمات ہم یہاں پہ بیان کرتے ہیں ان پہ عمل کرنے کی اور ان پہ پابند رہنے کی توفیق عطا فرمائے. پروردگار ہم سب کی حاجتوں کو پورا فرما. پروردگار جو مومنین مومنات یہاں پہ آتی ہیں, پروردگار ان کی نیک حاجتوں کو پورا فرما. جو مومنین مومنات نظر و نیاز کا اہتمام کرتے ہیں, دامی درہمی کلمی سخنی اس ان مجالس میں شرکت کرتے اور تعاون فرماتے, پروردگار ان کی حاجتوں کو پورا فرما. پروردگار ان کی تمام ارواح اموات کو مغفرت عطا فرما. پروردگار ہمارے رہبر معظم انقلاب آیات عظام آیت اللہ العظمیٰ سید علی سیستانی و دیگر مراجع کرام اور اساتذہ محترم کو کا سایہ ہم پہ ہمیشہ سایہ برقرار رکھنا. پروردگار ان کی توفیقات خیر میں اضافہ فرما. امریکائی جنایت کار اسرائیلی غاصب اور تمام منافقین اور تمام ظالمین جہان اگر قابل ہدایت نہیں ان کو نیست و نابود فرما. ہمارے امام کے ظہور میں تعجیل فرما, ہمیں ان کے اعوان و انصار میں شمار فرما. بر محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم.